महात्मा गांधी टॉलस्टॉय के साथ एक ही कमरे में रहते थे और अपने दिल की बात पूरी टॉलस्टॉय को बता देते। बहुत घनिष्ठ मित्र थे गांधी जी और टॉलस्टॉय। फिर रस्कन की का लेख आया एक मैगजीन में अफ्रीका में, जब वो बैरिस्टर थे महात्मा गांधी, तो 1860 में कुछ लेख उन्होंने लिखे और फिर वो कॉर्न हिल नाम की मैगजीन अफ्रीका में जो छप रही थी उसमें 4 लेख आए जॉन रस्किन के, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जितने पूंजीपति हैं वो गरीबों का शोषण करके पूंजीपति बने, दूसरों के अधिकार दूसरों के हक को छीन कर वो पूंजीवाद बढ़ा है, इसका रस्कन ने विरोध किया। तो उसके 4 लेख लगभग गांधी जी ने पढ़े, फिर उस 4 लेखों की उन्होंने समरी बनाई। वहीं धोती जब्बा झोला और डंडा, ये अफ्रीका में उन्होंने बैरिस्टर के कपड़े छोड़ के धोती कुर्ता जैसे आप लोग पहनते हैं अपन लोग सफेद, डंडा वो वहीं से उन्होंने, फिर इतना 3 लोगों का प्रभाव गांधी के जीवन पे पड़ा। एक भगवद गीता उन्होंने पढ़ी जॉन्सबर्ग है अफ्रीका में, जॉन्सबर्ग से डरबन जा रहे थे ट्रेन में, तो उन्होंने ये पढ़ा गीता, बड़े गीता से प्रभावित हुए कि ये पुस्तक मेरे ध्यान में आज तक नहीं आई, मैं भारत में पैदा हुआ लेकिन गीता पढ़ने का सौभाग्य और समय दोनों भारत में नहीं मिला, यहाँ अफ्रीका की ट्रेन में उन्होंने उसको थोड़ा पन्ना देखा तो बहुत प्रभावित हुए कि ऐसा बढ़िया ग्रंथ हमारे भारत में भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है। फिर तो उसको नियमित रूप से अध्ययन करने लगे, तो एक गीता की छाप उनके मन में पड़ी। दूसरा टॉलस्टॉय, वो भी एक अच्छे सदाचारी ज्ञानवान पुरुष थे मिस्टर टॉलस्टॉय, उनका संघ का प्रभाव पड़ा। तो हमेशा ऊंचा संघ करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष ये वो, इन लोगों का संग करेंगे तो ऐसा ही स्वभाव हमारा बनेगा, ऊंचा संग होगा। और तीसरा प्रभाव जीवन पे पड़ा जॉन्स रस्कन के इन लेखों का, उसका तो इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि बैरिस्टर गांधी से महात्मा गांधी बने। वो पुस्तक छपी अनटू दिस लास्ट, फिर उसका गुजराती में महात्मा गांधी ने अनुवाद किया जिसको सर्वोदय पुस्तक के नाम से छापा, फिर उसका भारत में ट्रांसलेशन किसी ने किया। तो टॉलस्टॉय ने कहा कि गांधी ने जो पढ़ा है और जो बात उनको अच्छी लगी है उस बात के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को मोड़ा है।